बिहार से दिखा रहे हैं जिस तरीके से सियासी उठापटक वहां पर मची हुई है, लेकिन एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ गई है, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे नीतीश, और नीतीश जो कि इस वक्त सीएम भी, आपको बता दें सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में आज सत्ता उलट पलट हो सकती है, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे नीतीश, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यानी कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ आ सकते हैं। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम होंगे तेजस्वी ये कहा जा रहा है, और सीएम होंगे नीतीश कुमार, यानी कि आरजेडी और जेडीयू अब एक साथ आ सकते हैं, लालटेन का साथ यहां पर मिल सकता है। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की तस्वीर जो सत्ता की तस्वीर है, वहां की जो सियासत की तस्वीर है वो बदलती हुई यहां पर साफ दिखेगी, क्योंकि लंबे वक्त से नाराजगी जताई जा रही थी नीतीश के तरफ से, क्योंकि उनकी जो पार्टी जो एनडीए के बिहार एनडीए के जो कार्यक्रम होते थे उसमें नीतीश दिखते जरूर थे, लेकिन उनकी बातचीत ज्यादा बीजेपी नेताओं के साथ नहीं होती थी। तो ऐसे में बड़ी अटकलें उसी वक्त से लगनी यहां पर शुरू हो गई थी, और ऐसे में अब सियासी तस्वीर यहां आज बदलती हुई जरूर दिखेगी। और आपको यह भी बता दें कि वक्त मांगा गया है राज्यपाल से मिलने के लिए, और ऐसे में नीतीश कुमार वक्त मिलेंगे, और चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, यहां पर साथ मिल सकता है कि आरजेडी का नीतीश कुमार को, और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी डिप्टी सीएम बना दिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग फार्मूला तय हो गया है कि कौन सत्ता में क्या होगा, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने वाले हैं, और इसी को लेकर यह पूरा फार्मूला तय किया गया है। अब से थोड़ी देर बाद 12:30 बजे का वक्त दिया गया है जब राजभवन नीतीश कुमार तमाम समर्थन पत्र जो मिलेगा उसको लेकर पहुंचेंगे यहाँ पर, जिसमें आरजेडी और जो लेफ्ट के नेता होंगे, कांग्रेस के जो विधायक होंगे वो उनके साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। तो वहीं नीतीश कुमार अभी अपने विधायकों और सांसदों के साथ अभी बैठक चल कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में। 12:30 बजे के करीब नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ये साफ तौर अब तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर अब तेजस्वी यादव फिर से एक बार सत्ता में होंगे, जिनके साथ लेफ्ट के तमाम विधायक और साथ ही कांग्रेस भी सत्ता में होगी। तब बिहार में एक ये बड़ा उलट फिर सामने दिख रहा है, और ये जो न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर वन न्यूज चैनल जिस पर ये सबसे पहले खबर आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो भी खबरें अपडेट आ रही हैं वो देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आपको सबसे पहले अपने दर्शकों के सामने न्यूज 18 के जरिए यह दिखाया जा रहा है। और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में जो गहमागहमी पिछले 3 दिनों से चल रहा था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार कुछ नया फैसला ले सकते हैं, और ऐसे में जब यह तय हुआ कि एक तरफ 11 बजे आज के दिन मंगलवार को जेडीयू की बैठक होगी, तो वहीं तेजस्वी यादव ने जब विधान मंडल दल की बैठक बुलाई, विधायक दल की बैठक बुलाई, तभी यह साफ तौर हो गया था कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की ओर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीर भी अब साफ हो गई जब 12:30 बजे के वक्त 12:30 बजे का समय लिया गया है राजभवन की ओर से, जिसमें तमाम जो नीतीश कुमार के विधायक हैं वो पहुंचेंगे, जो महागठबंधन के विधायक हैं वो पहुंचेंगे और अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक हो सकता है कि जो बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं अभी मंत्री पद पर हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं, अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और इसको लेकर तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी के बड़े नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो बिहार में ये बड़ा सियासी उलटफेर अभी सामने दिख रहा है, और 12:30 बजे जब नीतीश कुमार वहां पर पहुंचेंगे अपना समर्थन पत्र लेकर, जो महागठबंधन के तमाम विधायक होंगे, तब अब नई सरकार जो महागठबंधन के समर्थन से यहां पर नीतीश कुमार अपना जो सरकार है वो चलाएंगे। जो अभी जानकारी मिली है उसमें जब नीतीश कुमार यहां पर एक अने मार्ग 7 सर्कुलर रोड में अभी रहते हैं, क्योंकि एक अने मार्ग में रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो जैसे ही वहां पर हॉल में पहुंचे तो जितने भी विधायक और सांसद वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ हम तैयार हैं, और नीतीश कुमार आप आगे बढ़िए, जो भी आप फैसला लेंगे उसमें हम लोगों की हामी है। तो वहीं तेजस्वी यादव जब बैठक के लिए जो तमाम महागठबंधन के विधायक हैं वहां पहुंचे, तो सबसे पहले इसकी ओर से समर्थन पत्र उनको सौंपा गया।
बिना समर्थन की बात की गई और साथ ही जो लेफ्ट के विधायक भी पहुंचे थे उन लोगों ने भी कहा कि तेजस्वी यादव को अगर नीतीश कुमार के साथ जाना है तो हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अब दोनों खेमे में बात लगभग बन चुकी है और अब इंतजार किया जा रहा है।